अपने साथ गोपाल राय जी हैं जो कि तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं पिछले 9 सालों में। गोपाल जी, ये तीसरी बार है जब 9 साल की केजरीवाल कैबिनेट में आप मंत्री रहे, और हालांकि इस बार आपका मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो जो नया मुख्यमंत्री के साथ आप काम करेंगे, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या आपकी रहने वाली प्राथमिकता क्या रहने वाली है, थोड़ा बताइए। देखिए, बार चाहे जो भी हो, काम एक ही है, अरविंद केजरीवाल के मिशन को पूरा करना है। जब से आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, वो काम किया जो पुरानी पुरानी सरकारें देश के अंदर किसी राज्य में नहीं कर पाई, काम का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इन्हीं कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र शुरू किया, फर्जी चक्रव्यूह बनाए गए, सभी नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन काम हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से जब बाहर आए, उन्होंने एक निर्णय लिया कि सर्वोच्च अदालत ने हमें जमानत पर जेल से बाहर किया है, सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होता, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होगा, जब तक जनता हमें दोबारा चुन के नहीं भेजती है, मैं मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं संभालूंगा। ये पहली बार हुआ इतिहास में। इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने नए मुख्यमंत्री को बनाने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट भी शपथ ले रही है, और हम सब मिलकर के हमारी कोशिश यही है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों को और कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए अगले महीनों में, और दूसरा सब लोग मिलकर के कैसे जनता के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने त्याग पत्र दे दिया, हम सब की अब जो जिम्मेदारी और प्राथमिकता है कि जनता के साथ मिलकर के प्रचंड बहुमत से दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए। लेकिन गोपाल जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भले कोई भी हो, सरकार जिस दिशा निर्देश से चलेगी वो अरविंद केजरीवाल के ही होंगे, पार्टी भी उसी से चल रही है, तो ये खाली बीजेपी का भी ये आरोप, ये खाली बस ये दिखावट भर है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आपको अपने ऊपर लगे तमाम एलिगेशंस को धोना है, और वो आपकी एक कवायद है। मसला धोने का नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने तो जनता के अदालत में जाने का फैसला ही किया है, भाजपा भी जाएगी, जनता तय करेगी ना। उन्होंने जितना लिपापोती की है, उनको लगता है कि अब धुल जाएगा, तो फ्रॉड कितने दिन तक टिकेगा, फर्जीपन कितने दिन तक टिकेगा, उनको डर इससे नहीं लग रहा है, डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल के त्याग पत्र दे करके जनता के अदालत में जाने के फैसले से डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है, और दिल्ली के लोगों को पता है भी सच्चाई क्या है। लेकिन जहां तक बात है, देखो, अरविंद केजरीवाल के कामों को ही इस नए मंत्रिमंडल को पूरा करना है। अरविंद केजरीवाल ने जो सारी बुनियाद रखी है, आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, और उसको आगे हमें गारंटी करना है, अरविंद केजरीवाल ने रखी है। अगर लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है, और उसे हमें पूरा करना है, उसकी रक्षा करना है, बीजेपी चाहती है खत्म करना। स्कूल जो बन रहे हैं अच्छे, उसे हमें पूरा करना है, अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों के जितने काम हैं, वो अरविंद केजरीवाल की बुनियाद पर रखे गए काम हैं। हमारे नए मंत्रिमंडल का, हमारे नए मुख्यमंत्री का काम ही यही है, अरविंद केजरीवाल के जो काम है उनको अंजाम तक पहुंचाना, और दूसरा दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के प्रचंड बहुमत से दोबारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना, यही हमारा टास्क ही है, इसी मिशन पे हम आज से लगने वाले हैं। गोपाल जी, फिर पोर्टफोलियो की बात कर ली जाए, तो क्या जो पहले आप लोगों के पास पोर्टफोलियो थे वही रहने वाले हैं, उस पर भी तय हो गई है बातचीत? गोपाल जी, पर्यावरण मंत्रालय देखेंगे जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, तो क्या गोपाल जी ये चाह रहे हैं कि पर्यावरण मंत्रालय उनके पास रहे, या कुछ तब्दीलियां इस बार देखने को मिले? देखिए, सारे काम सब करने में माहिर है, काम एक ही है, जो कुछ काम हो रहा है उसको पूरा करना, तो अभी आज शपथ के बाद बैठ करके उसका निर्णय होगा, उस पर काम करेंगे,
जो जरूरत पड़ेगी वो काम करेंगे। आपकी खुद की इच्छा क्या है, कौन सा मंत्रालय हमारी विभाग इच्छा आप? तो देखो यही है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए और अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना, हमारी व्यक्तिगत इच्छा तो इतनी है। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहूँगा आपसे, चुनाव की बात आप कर ही रहे हैं, आप चाह रहे हैं जल्द चुनाव हो जाए, तो आप दिल्ली के संयोजक भी हैं और दिल्ली जो आपका किला माना जाता है आम आदमी पार्टी का, उसे बचाने की एक बड़ी कोशिश होगी आप लोगों की। तो कल से जो जनता की अदालत आप लगाने जा रहे हैं, आज शपथ ले लेंगे, लगता है कि उसी जंतर मंतर से एक बार फिर से आप सत्ता की कुर्सी तक पहुँच पाएंगे जिस जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे थे? देखिए, जंतर मंतर से कल जनता की अदालत की शुरुआत हो रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी फरियाद लेकर के पूरे दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, जनता के सामने हम जाएंगे, हम काम लेकर जाएंगे और अपना ईमान लेकर जाएंगे, और हमें भरोसा है कि जनता दोबारा प्रचंड बहुमत से अपना मुख्यमंत्री बना करके अपना फैसला सुनाएगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो गोपाल है जी सीधे तौर पर ये नहीं बता रहे उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने पर्यावरण विभाग में काम किया है, उनका कोशिश ये रहेगी कि इस विभाग में काम बेहतर कर सकें, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने जो मंत्रिमंडल तैयार किया है वो लगभग लगभग वही मंत्रिमंडल है जो पहले था। तो ये मान के चलिए कि उन तमाम विभागों को भी कुछ इस तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की कोशिश दिल्ली के किले पर एक बार फिर जीत हासिल करने की रहेगी, जो कल यानी रविवार से शुरू भी हो जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.